भक्ति और प्रेम कम मनुष्य के हृदय में जागृत हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, और जिसको लग जाए वह छूटना भी नामुमकिन है। ताजा मामला मथुरा में देखने को मिला, जहां एक 18 वर्षीय युवती जिला गोरखपुर के गांव खजवा की रहने वाली संजना पुत्री राम गोपाल है, जो कि भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर घर से भाग आई और मथुरा में आकर घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार पिता राम गोविंद ने बताया कि वह गोरखपुर जिला के गांव खजवा की रहने वाली है और उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें से यह तीसरे नंबर की बेटी संजना, जो अचानक भगवान कृष्ण की भक्ति मन में जाग उठी और काफी समय से वह वृंदावन आने की रट लगने लगी। अचानक रात्रि में कुछ गांव के लोग वृंदावन घूमने आए तो घर से भागकर बेटी किसी गाड़ी में बैठकर वृंदावन आ गई, और कुछ गांव के लोगों ने बताया कि इसकी बेटी घर छोड़कर वृंदावन चली गई है। उसी तलाश में पिता अपनी बेटी को तलाशने के लिए वृंदावन पहुंचे और थाने चौकियों में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी देर रात टेम्पो में बैठकर बेटी वृंदावन के लिए जा रही थी, तभी अचानक वह टेम्पो से गिर गई और बेहोश हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पिता को जानकारी दी, जहां सूचना पर पहुंचे पिता ने इस हालत में बेटी को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और पूरी घटना के बारे में बताया कि बेटी को काफी समय से भगवान कृष्ण की याद सता रही थी और वह बिन बताए घर से वृंदावन के लिए चल पड़ी और रास्ते में उसका ये हाल हो गया। सुनिए पिता ने किस तरह अपनी बेटी के बारे में फूट फूट कर क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। राम गोविंद, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। ये कौन है आपकी? मेरी बेटी है। क्या हो गया था? जैसे कि घर से भाग के आई है यहाँ वृंदावन, अच्छा, बाबा के आश्रम में। अच्छा। तो हम लखनऊ गए थे मेडिकल कराने अपना बाहर जाने के लिए, तो हमको शाम को फोन आया को तो लड़की भाग गई है, तो फिर हम लखनऊ से फिर अहमदाबाद में यहाँ चले। तो कौन से आश्रम में आई थी ये वृंदावन? अनुद्धाचार्य है और एक परमात्मा की क्या नाम है उनका, ये दोनों लोगों का जाकर परमिशन सुनती थी और वही सुन के एकदम व्याकुल हो गई थी और अपने बैग में सब राधा कृष्ण का सब फोटो, पुराना पुराना फोटो सब रखी है उसमें, एकदम पागल जैसी हो गई। वही भाग के आई है यहाँ पर। हम मना किए कि बेटी रुक जाओ 2-3 महीना, हम टिकट रिजर्वेशन करा देंगे तब चलना साथ में। अब हमारे गांव के 4 लोग आए हैं, ये सोची कि उन्हीं के साथ हम भी चले जाए, वो सब सुबह गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के चले आए लोग, ये पिछड़ गई, ये साथ नहीं मिला, तो दूसरे ट्रेन से किसी तरह से वो भाग के आई यहाँ। तो ये गिर कहाँ गई है? ये गिरी है, अब हम तो कल दिन भर इधर खोजे आश्रम में सब जगह, वहाँ भी किए, फिर लखनऊ में GRP में हम पुलिस से सूचना दिए, फिर उसके बाद मथुरा यहाँ भी दिए GRP में, फिर उसके बाद वृंदावन पुलिस चौकी है वहाँ भी हम सूचना दिए, दरोगा जी बैठे थे वो अपने ग्रुप में दिए। फिर उसके बाद हम जाने वाले थे कल शाम को घर, तो हमारा लड़का बोला कि पापा। तो इनके ये लगता है कि भक्ति जागी है इनकी, है बस राधा कृष्ण के प्रति भक्ति जागी है। हाँ। तो इसलिए घर छोड़ के आ गई वृंदावन रहने के लिए आपके बिना बताए? बिना बताए। फिर उसके बाद वहाँ से लड़का बोला कि पापा रुक जाए 2 दिन और देख लीजिए। कोई बात नहीं, भक्ति है, अच्छी बात है, ये तो भक्ति जागी है। उसके बाद रात में पता चला कि गाड़ी से गिरी है रास्ते में रोड पे। तो जब से होश नहीं आया इनको? नहीं, होश नहीं आया जब से, यहाँ पुलिस वालों ने भर्ती किया है। हाँ, पुलिस वाले लेकर वही सब फोन किए, इसके पास एक नंबर मिला है जी, इसमें 3 नंबर है केवल, इसी नंबर पर। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी है ये? 8 तक पढ़ी है। 8 तक पढ़ी है। और इनके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है हमारा है, वो विकलांग है, बड़ा वाला, बड़ा शरीर से विकलांग है, और 3 लड़के ठीक है।
ये बड़ी है घर में? नहीं छोटी छोटी है, तीन लड़के के बाद है। अच्छा, तीन लड़के के बाद है ये। आप क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी जी, ठीक।